फ्रेंड्स नमस्कार, नैन ईआरपी होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसे अभी हमारे जितने भी होटल इंडस्ट्री ओनर्स हैं, उनका कहना है कि आप सर हमारा स्टाफ चेंज होता रहता है, उनको ट्रेनिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए आप एक ऐसा वीडियो बना दीजिए चेक इन चेकआउट का, जिससे कि हर स्टाफ इसको देख के मेंटेन कर पाए अपने नैन ईआरपी होटल को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है होटल इंडस्ट्री के लिए। तो आज हम वही आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मास्टर मेनू में जाना है। सबसे पहले चेक करना है आपको रूम्स, यानी हमारे जितना भी होटल में रूम्स हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप न्यू पर क्लिक करके आप यहाँ जैसे 401 रूम नंबर हमको न्यू बनाना है, डीलक्स है, तो डीलक्स आपने इंटर कर देना है। सर ऑटोमेटिकली ये जनरेट कर देगा सॉफ्टवेयर आपका। रूम्स आपका क्रिएट हो गया। रूम्स क्रिएट होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसमें ये देखना है कि आपका पैकेज कौन कौन से पड़े हुए हैं। यहाँ से रूम टाइप, रूम टाइप में आपका जैसे पैकेज भी आप बना सकते हो अलग अलग। पहले हम रूम टाइप की बात करते हैं, तो सुपर डीलक्स है। सुपर डीलक्स में आपका जैसे 2500 रुपये इसका चार्ज है, और ओला के सर्विस के जो रूम्स आते हैं उसका चार्ज अलग अलग से भी मेंटेन करना चाहें तो आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे उसका हम 3000 रुपये लेते हैं, तो 3000 रुपये आपने चार्ज कर दिया उसका, क्योंकि कहीं कमीशन रहता है उसमें, और उसका जो GST चार्ज है वो भी हम अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, जैसे अपडेट कर देते हैं। जो अपडेट कर दिया तो ये ओला का हमारा चार्ज बन गया। इसी प्रकार से हमारा ये सुपर डीलक्स का क्लियर हो गया हमारा, और आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर हमारा आता है ये सिस्टम हमारा, नेक्स्ट मास्टर में जाते हैं पैकेज का। तो पैकेज के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, यहाँ से पैकेज पे क्लिक किया हमने, यहाँ से न्यू करके हम पैकेज बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा पार्ट ऑफ रहा हमारा मास्टर देखने का कि मास्टर मेनू किस तरह से सेट है। उसके बाद हमारी सेटिंग कुछ आती है, सेटिंग्स के बारे में आपको बता देते हैं रूम के अंदर। सबसे पहले तो होता है हमारा 24 आवर्स चेक और चेकआउट का टाइम क्या रखना है आपको, तो वो आप यहाँ टाइम का डाल सकते हैं, चेकआउट टाइम क्या होना चाहिए। 24 घंटे का है तो 24 घंटे पर टिक कर देना है और चेकआउट टाइम डाल देना है। चेकआउट हमारा 10 बजे होता है, 11 बजे होता है, जब भी होता है, तो वो हमारे सेट कर देना है। इसके बाद आता है हमारा कि जैसे रूम के अंदर चेक इन चेकआउट या कैलकुलेट फूड टैक्स भी अगर कैलकुलेट करना है तो ये भी आप टिक कर सकते हैं इसको। तो ये हमारी सेटिंग करने के बाद इनेबल, या आपको रेट वाइफिकेट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। बट इसके बाद रूम रेंट इंक्लूसिव टैक्स लेना है एक्सक्लूसिव, तो इसको आप टिक कर सकते हो। तो ये तो हमारी सेटिंग रही रूम की सेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे GST अप्लाई है, तो GST अगर कंपोजिशन में है तो आप कंपोजिशन में डाल सकते हो। तो ये तो हमारा सिस्टम रहा हमारा चेक इन चेकआउट का ऑप्शन का, कि हमें कैसे इसको सेट करना है चेक इन चेकआउट को। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपने चेकआउट को एक बार सेट कर दिया, काम खत्म हो गया इसका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि चेक इन भी कर लिया हमने, मतलब ये हमारा ऑप्शन भी एड देख लिया, चेक कर लिया हमने। उसके बाद हमारा आता है जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यू चेकआउट के लिए, चेक इन के लिए हमें सबसे पहले चेक इन पे क्लिक करना है। और दोस्तों इसमें सबसे खासियत बात यही है सॉफ्टवेयर के अंदर कि आपने जितने भी चेक इन रूम हमारे किए हैं अभी तक, तो वो हमारे पास लिस्ट आ जाती है जितना, जैसे हमने अभी चेक किया था, चेक इन किया है, तो यहाँ पे आप चेक इन की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। अगर वो चेकआउट हो चुका है, क्लियर हो चुका है, तो क्लियर पे आप देखेंगे तो ये क्लियर में आपको टिक करना होता है नीचे। यहाँ पे देखो आप देख पा रहे होंगे क्लियर वालकिन, तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है तो वो, अगर नहीं तो लिस्ट में आपका नहीं क्लियर है तो आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारा रहा चेक इन का मतलब रजिस्टर। अब आता है हम चेक इन कैसे करें। सबसे पहले हमको चेक इन करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ से न्यू करना पड़ता है। न्यू करने के बाद यहाँ पे हमारा डेट आ जाता है, डेट के बाद हमारे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका नंबर जनरेट हो जाता है। यहाँ पे हमें कस्टमर, यहाँ पे आपका जो भी हमारा कस्टमर है उसका नाम डालना है, और नाम डालने के बाद यहाँ पे एंटर करते जाना है, और एंटर करने के बाद अगर हमारा रिजर्वेशन में है तो यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं, कोई अगर रिजर्वेशन हमारा पड़ा हुआ है ऑलरेडी तो वो भी हम इसको देख सकते हैं, उसको एंटर कर सकते हैं। यहाँ से एंटर किया इसके बाद हमारे GST नंबर डाला हमने कंपनी का, जैसे GST नंबर डालना है वो डाल दिया, वो ये रूम से आया है इसका, अगर कहाँ का है इसका नेशनलिटी डाल दिया। ये सब डालने के बाद हमको एंटर करते गए, हम लोग डॉक्यूमेंट क्या अटैच कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड अटैच कर रहे हैं, आधार कार्ड नंबर उसका क्या है तो वो भी डाल दिया हमने, आधार कार्ड नंबर जो भी नंबर है इसका एंटर किया, इसका नाम क्या है ABC जो भी आपका कस्टमर का नाम है उसका पूरा डिटेल डालने के बाद यहाँ से इमेज भी ऐड कर सकते हैं, कंटिन्यू किया।
इसके बाद एंटर किया, आपने एंटर करने के बाद यहाँ कितने दिन के लिए आया है, क्या है, ट्रैवलिंग के लिए आया है, कितने बच्चे हैं, क्या है उसका, या आपने रूम कितने का लगाना है, सपोज करो आपने 3401 लगाना, 401 ऑटोमेटिकली 401 लग गया, आपने कहा नहीं सर 401 तो हमारा ये लग ही गया, हमें इसको हमने थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके इसको 2000 रुपये का ही देना है, तो यहाँ से 2000 रुपये भी टाइप करके आप एंटर कर सकते हो, तो 2000 रुपये का देखो रूम लग गया आपका। एडवांस आपको लेना है, एडवांस कैसे लेना है आपको, पेमेंट से लेना है, पेमेंट गेटवे से लेना है, या ई वॉलेट से लेना है, फ़ोनपे से लेना है, तो यहाँ पे अकाउंट खोल सकते हो सभी के, और यहाँ ट्रांजेक्शन आईडी डाल के उसको ओके कर सकते हो दोस्तों। तो ये आपका इस तरह से आपका मेंटेन हो गया, कोई रिमार्क स्पेशल इसके बारे में लिखना है दोस्तों। एक चीज़ और हमने बताया नहीं आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर, हमने इसमें फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन भी दे रखा है, अगर हमारे पास कस्टमर का फ़ोटो है तो फोटो भी आप लगा सकते हो, जो भी हमारा कस्टमर आया है उसका हमारे पास अगर फोटो अवेलेबल है तो यहाँ पे हम फोटो भी उसका ऐड कर सकते हैं, उसके जो गर्ल्स आई है या जो उसका वाइफ है उसका भी हम फोटो लगा सकते हैं, उसका बच्चा है चाइल्ड आया है तो चाइल्ड का भी हम फोटो लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये फैसिलिटी हमने स्पेशल दी रखी है इसके अंदर, क्योंकि आजकल क्या है कि ज़माना ख़राब हो गया है और पुलिस वाले आप देखते हैं कि होटलों पे छापे पे डालते रहते हैं, उनको तुरंत चाहिए भाई, अभी आतंकवादियों का अभी थोड़ा सा माहौल सा बन रहा है, तो ये चीज़ विशेष क्या फोटो लगा के आप रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, कि दिखा सकते हैं सर ये बंदा था, ये हमारे पास आया, तो उसका क्लियर पिक्चर आ जाता है इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इस तरह से ये आपने अपडेट किया या सेव किया, तो यहाँ से आपका ये अभी क्या होगा, रिसीविंग बिल बना देगा 500 रुपये का, कि आपने रिसीव जो इससे पैसा लिया है, तो रिसीव जो लिया है उसका आपको चेक इन के टाइम पे ये आपको रसीद बना के दे देगा। देखो ये दोस्तों अच्छे से आपका होटल का यहाँ लोगो आ जाएगा, यहाँ होटल का नाम आ जाएगा, यहाँ फ़ोन नंबर आ जाएंगे, यहाँ किसने कितने रुपए उसने एडवांस दिया आपको, कौन सा रूम लिया है, तो उसकी डिटेल स्लिप पे आप दे सकते हैं, इसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, उसको प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। तो ये तो आपका रहा चेकिंग का, चेकिंग आप समझ चुके हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो हमें कमेंट करिए और इसको वीडियो को द्वारा आप देख लीजिए किस तरह से हमको चेक इन करना है। तो ये तो दोस्तों रहा हमारा चेक इन का सिस्टम, और चेक इन करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इसका बिल भी बनाना पड़ता है। तो बिल बनाने के लिए हमने एक ऑप्शन रखा है चेकआउट के लिए, यहाँ से चेकआउट पर क्लिक करेंगे, चेकआउट करना इसको बहुत ही आसान है। अभी दोस्तों दिक्कत ये आ रही है, आदमी समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि नए इंटेंट बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि नहीं सर ये चेकआउट कैसे करें, चेक इन तो कर दिया हमने, एंट्री डाल दिया, कहाँ देखें उस एंट्री को। तो दोस्तों उसमें देखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आपको चेक इन पे जाना है, और जैसे हम डेट जैसे 22/7 का है तो 22/7 हमने यहाँ पे टाइप किया, एंटर किया, तो 22/7 की जितनी चेक इन होंगी वो एंट्री जाएंगी, यहाँ से क्लियर अगर हो चुकी होंगी, अगर बिल बन चुका है तो वो भी आप इसको यहाँ क्लियर बालकिन आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से क्लियर बालकिन पर क्लिक करके भी आप इसको देख सकते हैं यहाँ नीचे, और ये क्लियर की लिस्ट भी आ जाती है, इसका बिल बन चुका है। तो ये तो रहा दोस्तों ये इसका, इसको सर्च करना है, फिल्टर दे रखे हैं हमने, कैसे भी सर्च कर सकते हो। अब आता है इसका बिल बनाना, बिल कैसे बनाएंगे इसको, बिल बनाने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको, चेक इन चेकआउट पर जाना है विद इन सेकेंड में, कि अगर हमारे होटल में 30 कमरे हैं, 40 कमरे हैं, 100 कमरे हैं, तो विद इन सेकेंड में उस सॉफ्टवेयर से बिल बन जाता है इजीली। आपको कुछ नहीं करना, न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे न्यू पे ऑप्शन क्लिक करते बहुत से लोग क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करते, क्लिक नहीं करना है, एंटर करना है, एंटर करोगे तो ये ऑटोमेटिकली बिल नंबर जनरेट कर देगा। बिल नंबर उसने जनरेट कर दिया तो ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटिकली उसको जो भी अपना चेक इन हुआ होगा बंदा, तो वो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखा देगा यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बिल का दिखा देता हूँ, एक बिल बनाया हमने, पहले रूम रेंट बिल बुक में जाके इसका देख लेते हैं। 22/7 में हमने एक बिल अभी जनरेट किया था दोस्तों, तो ये देखो ये बिल जनरेट है यहाँ पे, तो ये देखो ये इस तरह से आपका आ जाएगा, एंटर करोगे, डेट डालोगे, बिल नंबर जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट पे आपको बस उसको बंदे को नाम सिलेक्शन करना है, जो 401 301 ये लगा हुआ है उसको बस एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली ये देखो बिल जनरेट हो जाता है। अब 1800 रुपये का रूम लगाया, 1800 रुपये का रूम लगने के बाद यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना, क्या करना इसको एंटर, अगर कंपनी का उसका जीएसटी नंबर वगैरह डालना तो यहाँ भी वेरीफाई कर सकते हो जीएसटी नंबर, और ऑर्गेनाइजेशन किसी कंपनी को अगर यहाँ पे क्या है इसमें हम ये भी बता सकते हैं, जैसे आज लगाया आज ये हमको बिल काटना है तो काट सकते हो, शाम को आप काट के रख लीजिए, जो चेकआउट करते हो सुबह जल्दी होती है, आप लोगों को टाइम नहीं होता है, स्टाफ नहीं आता है, तो शाम को भी आप इसको चेकआउट अपना मैनुअल डेट एंड टाइम डाल के आप चेकआउट कर सकते हो दोस्तों इसको, तो ये इसमें सुविधा दी गई है। तो अभी क्या कहता बंद कहते नहीं सर टाइम तो सुबह हुआ, सुबह बिल कैसे बनाएंगे क्या, तो सर इसमें हमने ये आप देख पा रहे हो या डेट अपना मैनुअल भी आप डाल सकते हैं, तो अगर जिस डेट को चेकआउट करना है उस डेट को चेकआउट कर सकते हैं।
वैसे तो ऑटोमेटिकली ये टाइम टू टाइम अपने आप डाटाबेस उठा लेता है, बट क्या है कि कभी होटलों पे भीड़ लग जाती है, सुबह जल्दी स्टाफ नहीं आ पाता है और स्टाफ उसको कस्टमर को जल्दी जाना होता है, तो उसके लिए फिर हम ये ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पे आप डेट भी अपना डाल सकते हैं और चेकआउट टाइम, डिपार्चर टाइम, उसका अराइवल टाइम तो ये था। यहाँ पर डिपार्चर टाइम में आप जो भी जिस डेट को आप चेकआउट करना चाहते हो, कितने बजे सुबह करना है, सपोज करो आपने आज 23 तारीख का आज ही काटना है तो 23 तारीख डाल दिया आपने, एंटर कर दिया यहाँ पर सुबह 11 बजे इसको चेकआउट करना है, यहाँ से सब एंटर करके आप इसको आप बिल बना के रख दीजिए। अभी क्या है, देखो टैक्स नहीं आया है, यहाँ पर क्लिक करोगे आप, यहाँ से जैसे आपने क्लिक किया, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसका पूरा वाउचर खोल देगा, जो भी हमारा टैक्स एक्स की लाइबिलिटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रूम का, अभी क्या है इसने उसी दिन को आपने चेकआउट कर रहे हैं तो इसलिए इसने बिल का अमाउंट नहीं डाला है, आपने इंटर करना है, इंटर करना है, इंटर करना है। यहाँ पे जैसे रूम रेंट चार्ज आपने ऑलरेडी लगा चुके हम लोग इसमें, तो इसलिए ये इसने नहीं दिया है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसको कैंसिल करके यहाँ से क्लिक किया हमने, ऑलरेडी हमने इसको चेकआउट कर चुके हैं इसलिए इसने नहीं दिया है। बट क्या करना है अभी हमको, इसको आपको चेकआउट करना है तो चेकआउट के लिए आप यहाँ से इसका बिल को डबल क्लिक करते हैं तो ये चेकआउट ऑलरेडी है, यहाँ से बस प्रिंट करना है। यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ये दिखना है जीएसटी नंबर आपको शो कराना है तो जो भी हमारा अकाउंट खुला हुआ है उसको सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे। अगर यहाँ सेलेक्ट कर दिया तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जीएसटी नंबर जो भी उसका जीएसटी नंबर पड़ा हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली जीएसटी नंबर आपको अपडेट कर देगा। यहाँ से आप डायरेक्टली आउटपुट भी दे सकते हैं, देख सकते हैं आप इसको, ओके किया हमने इसको, जैसे ओके करेंगे आप तो सक्सेसफुली हो गया आपका ओके, और सक्सेसफुली के बाद अभी प्रिंट के लिए कमांड दे देगा आपको, जैसे प्रिंट कमांड आती है तो उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अपडेट हो गया, अभी प्रिंट करना है इसको, डबल क्लिक करके यहाँ से प्रिंट किया हमने। या देखो आपका ये आपका पूरा कुल आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, वो आ गया, इसमें आपका डेट आ गया, इनवॉइस डेट आ गया, ये आ गया, ये आ गया कम्प्लीटली, ये नाम आ गया, चेक इन चेकआउट आ गया, ये आपका इंडियन आ गया, ये जीएसटी नंबर जो भी अगर फॉर्म का दिया हुआ तो आ सकता है, ये कंपनी की डिटेल आ गई, यहाँ पे CGST कितना लगा, SGST कितना लगा, ये पूरा देख पा रहे हैं आप, पूरा बिल बन के जनरेट हो गया दोस्तों। तो ये इसमें टैक्स इनवॉइस बनाना बहुत ही आसान है, चेकआउट करना बहुत ही आसान है, तो ये आज मैं हमने इसलिए वीडियो आपको दिखाई है। अब सपोज करो ये अपने रूम रेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखो ऑटोमेटिकली आ गया, यहाँ पे अगर टैक्स हमें बढ़ाना है तो यहाँ बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं यहाँ से इंटर करके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आप, क्योंकि अभी दोस्तों अभी टैक्स सपोज करो उसने टैक्स नहीं जोड़ा, आपने क्या किया तो यहाँ पे प्लस पे साइन पे क्लिक करना है। अगर कोई फूड चार्ज डालना है जैसे 200 रुपये हमको फूड चार्ज भी डालना है तो यहाँ डायरेक्ट अदर चार्ज पे ये दे रखा है हमने ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अदर चार्ज फूड चार्ज लगा सकते हो, यहाँ पे फूड चार्ज का अकाउंट बना लो आप, एडिशनल चार्ज का अकाउंट बना लो, जो भी आपको लॉन्ड्री की टैक्स सर्विस देनी है तो लॉन्ड्री का भी चार्ज दे सकते हैं, ऑन वैल्यू पे कितना 10% आपको लॉन्ड्री का चार्ज लगाना है तो 180 रुपये हमारा देखो अदर चार्ज, यानी अदर चार्ज का भी ऑप्शन है यहाँ पर आप लगा सकते हो, F4 से यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं उसको, और देखो लॉन्ड्री का भी चार्ज लग गया इसमें। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको अपडेट करके प्रिंट कर सकते हो दोस्तों। तो ये देखो आपको कैसा लगा सॉफ्टवेयर, हमको बताएं इसका चेकआउट का, आज हमने बताया आपको, इसको शाम को रिपोर्ट आपको देनी होती है मालिक को कि आज कितने हमारे रूम लगे कितने नहीं लगे, तो वो भी आप रिपोर्ट इससे आसानी से दे सकते हो। तो दोस्तों आपको चेक इन चेकआउट का आज हमने आपको पूरा समझाया है, यहाँ से आप रूम रेंट बिल बुक से आप शाम को रिपोर्ट मालिक को दे सकते हो, रूम बुक आ गई, आप डेट डालो किस डेट से किस डेट तक का देना है, जैसे आज 22 है 22/7 का देना है केवल, तो 22/7 का ही आप दे सकते हैं, 22/7 इंटर किया 22/7 तक हमें केवल देना है आज की डेट की, तो आपने ओके किया तो सारी रिपोर्ट आपके सामने आ गई, यहाँ से आपने प्रिंट करके यह देखो पूरा रिपोर्ट तैयार हो जाता है, इसमें यहाँ पे कौन सा रूम था, कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर था, उसका क्या GST नंबर था, ये कौन पर्सन आया था, तो ये आप देख पा रहे हैं सारा, आपको कितने बजे चेक इन हुआ, कितने बजे चेकआउट, क्या चार्ज था उसका, कितना टैक्स बना, तो पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ से शाम को मालिक को दे सकते हो। तो दोस्तों आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ सारा सिस्टम हमने एक्सपोर्ट सिस्टम भी दे रखा है, आपका एक्सेल शीट पर भी एक्सपोर्ट हो जाता है देखो चेक इन चेकआउट, तो सॉफ्ट कॉपी भी दे सकते हो मालिक को कि सर देखो ये रूम लगे थे, ये पेमेंट कैसे हुआ था, कैश हुआ था, कार्ड से हुआ था, तो ये भी आप इसमें देख सकते हो सर। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, हमारा होटल इंडस्ट्रीज में करीब करीब हमारा 10,000 होटलों में इंडस्ट्रीज में रनिंग में है सॉफ्टवेयर,
तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों धन्यवाद, आगे कोई कमेंट्स हमको करके बताएं, कोई या कोई क्वेरीज है तो वो भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू।